नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं मधुमेह डायबिटीज के कारण, लक्षण और उपचार। दोस्तों, मधुमेह रोग की आजकल बहुतायत हो गई है। इस रोग में शर्करा यानी शुगर बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के मूत्र मार्ग से बाहर निकलती रहती है। इस रोग में शक्कर पच नहीं पाता तथा रोगी को मूत्र अधिक आता है। बार बार मूत्र त्याग के कारण प्यास भी अधिक लगती है, मुख सूखता रहता है, रोगी कमजोर व कष्टकाय हो जाता है। मधुमेह की चिकित्सा अत्यंत सरल है और अत्यंत कठिन भी है। जो रोगी संयमी है, जो अपनी जीभ को वश में रखते हैं, उनके लिए इस रोग से मुक्ति प्राप्त करना बच्चों का खेल है, और जो असंयमी है, पेटू है, उनके लिए इसकी चिकित्सा असंभव है। सर्वप्रथम हर किसी को यह भली प्रकार समक्ष लेना चाहिए कि वी ईट टू लिव बट वी डू नॉट लिव टू ईट, अर्थात हम जीने के लिए खाते, खाने के लिए नहीं जीते। मधुमेह रोग के साथ साथ मधुमेह रोग के रोगी को जो वर्ण, पांडु, फोड़े, घाव, मोटापा इत्यादि जो भी सहायक हो, उन सब के लिए अलग से किसी चिकित्सा अथवा चिंता की आवश्यकता नहीं है। मधुमेह रोग के दूर होते ही वह सब स्वयं नष्ट हो जाएंगे। जैसे जड़ काट देने पर किसी पेड़ के फूल और पत्ते आदि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। मधुमेह यानी डायबिटीज के लक्षण। इस रोग के प्रारंभ होने से पूर्व खूब भूख लगती है, किंतु धीरे धीरे भूख कम होती जाती है। शरीर की त्वचा शुष्क और स्पर्श करने में रूखी खुरदरी महसूस होती है। मसूड़े फूल जाते हैं, उनसे रक्त निकलता रहता है। कब्ज, अत्यधिक प्यास, पेशाब अधिक आना, मूत्र का अपेक्षित यानी गुरुतत्व, मूत्र का अपेक्षित गुरुतत्व 1060 से भी ऊपर हो जाना, पेशाब में शर्करा निकलना, शरीर में खुजलाहट, शरीर सक्ष होना, दुर्बलता, शारीरिक भार में कमी इत्यादि प्रधान लक्षण है। इसके बाद शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, पैर में सोध यानी सूजन हो जाती है। स्त्रियों को यह रोग होने पर उनकी योनि में खुजली उत्पन्न हो जाती है। बीमारी बढ़ने के कारण शरीर के फेफड़े खराब हो जाते हैं और अंत में कारपकल यानी फोड़ा होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को तथा निर्धनों की अपेक्षा धनवानों को, मध्य आयु वालों तथा वृद्धों को यानी कि 40 से 60 वर्ष वालों को अधिक होती है। शुगर होने के कारण अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना, उत्तेजना, चोट एवं कुछ संक्रामक रोग जैसे डिफ्थीरिया, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा आदि के कारण यह रोग हो जाया करता है। अधिक मद्यपान या शक्करा युक्त भोजनों तथा यकृत और क्लोम ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न हो जाना भी इसका कारण है। मधुमेह यानी डायबिटीज में आहार और परहेज, इनका सेवन किया जा सकता है। इस रोग में घी, मक्खन, पनीर, ताजा साग सब्जियां, मूली, पालक, परवल, लौकी, करेला, बैंगन आदि तथा फल, आम, अनार, सेब, जामुन, संतरा, मौसमी आदि सेवन करना तथा थोड़े नमक के साथ कागजी नींबू का रस पीना काफ़ी फायदेमंद होता है। इस रोग में तेल और मिर्च मसाला रहित करेले की तरकारी विशेष रूप से खाते रहना रोगी के लिए हितकर है। शुगर में क्या नहीं खाना चाहिए? नए चावल, शीतल जल, बर्फ, गर्म और मीठे पदार्थ, धूप में घूमना फिरना, परिश्रम, मैदा, चीनी, गुड़, मांस, मछली, तेल का सेवन तथा मैथुन करना अपथ्य है। आइए जाने शुगर कम करने के उपायों के बारे में। जामुन की गुठली का चूर्ण सौंठ 50-50 ग्राम तथा गुड़मार बूटी 100 ग्राम लें। सभी को कूट पीस कर कपड़ छान कर लें। फिर ग्वारपाठे के रस में घोट कर जड़ बेर यानी जंगली बेर के समान गोलियां बना लें। ये एक एक गोली दिन में 3 बार शहद के साथ प्रयोग करें। एक माह तक प्रयोग जारी रखें, आपको फायदा होगा। इसके लिए उपयोगी बात, इस योग के प्रारंभ करने से पूर्व 3 दिन तक उपवास करें। इस रोग में शक्कर से बनी मिठाइयाँ, पकवान व पेय निषेध है। रोगी कम खाएं, हरी साग सब्जियों का प्रयोग अधिक करें, अल्प मात्रा में फल ले सकते हैं, दिन में सोएं, स्वच्छ पानी में तैरना लाभप्रद है, कम बोले, व्यायाम शारीरिक शक्ति अनुसार अवश्य करें, यदि कर सके तो नित्य 30 ग्राम गौमूत्र का पान अवश्य करें। केवल चने की रोटी 7 दिनों तक खाने से पेशाब की शक्कर बंद हो जाती है। गुल्लर के पत्तों के उबाले जल से स्नान करें, खूब घूमें, पानी एक साथ न पीकर कई बार में थोड़ा थोड़ा पिएं, आंवले के रस में मधु मिलाकर सेवन करें,
नाशपाती, सेब, अमरूद, नींबू, करेला, टमाटर लाभकारी है, जो कि रोटी खाना भी लाभप्रद है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक समय रोटी तथा एक समय फलाहार तथा बिना चीनी का दूध लेना लाभप्रद है। बढ़िया क्वालिटी के उत्तम छुहारे लेकर उनके टुकड़े कर उनकी गुठलियाँ निकाल लें। उसके 3-4 टुकड़े मुख में रख कर चूसते रहें। दिन भर में 8-10 बार लगातार 5-6 माह तक चूखें, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। हरी गिलोय 40 ग्राम, पाषाण बेत तथा शहद 6-6 ग्राम लें। तीनों को मिलाकर 1 माह तक पिए, मधुमेह नष्ट हो जाएगा। 5 ग्राम की मात्रा में शुद्ध शिलाजीत प्रतिदिन दूध में डालकर पीने से मधुमेह सर्दियाँ नष्ट हो जाता है। कम से कम 1 किलो शिलाजीत का सेवन कर लें। यह प्रयोग सर्दियों की ऋतु में करना आपके लिए लाभप्रद होगा। गर्मियों में ना करें, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। गुड़मार बूटी जामुन की गुठली दोनों सम मात्रा में लेकर कूट पीस कर छान लें और चूर्ण बना लें। इसे 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी के साथ सेवन करें, आपको लाभ मिलेगा। 20 ग्राम बिनोले को कूटकर 20 ग्राम बिनोले को कूटकर 600 ग्राम पानी में ओटावे। जब चौथाई रह जावे तब छानकर 10-10 ग्राम जल दिन में 3-4 बार पिए। कुछ दिनों के निरंतर सेवन से स्थायी लाभ होगा। वटवृक्ष की 400 ग्राम छाल को 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब पानी 200 ग्राम शेष बच जाए तब उतार कर छान कर दोनों समय सुबह और शाम 1-1 मात्रा पिलाएं। 1 माह मात्र इसके सेवन से मधुमेह रोग नष्ट हो जाता है। जामुन की गुठली 20 ग्राम तथा अफीम 1 ग्राम लें। दोनों को जल के साथ घोटकर 32 गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर शीशी में सुरक्षित रख लें। 2-2 गोली सुबह शाम जल के साथ लें, जो कि रोटी और हरे साग सब्जियों का प्रयोग अधिक करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।